हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज जो बेटा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th की केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपको क्या बताया था, सबसे फर्स्ट लेक्चर में था बेटा जी मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर और यू कैन से फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, और फिर उसके बाद हम आ गए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पहला ला डिस्कस किया था बेटा जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए होता क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसे एक नाम से और जाना जाता है बेटा जी, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दोनों ही जो नाम है ये एक ही लॉ को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि ये कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है। अब देखिए बेटा, डेफिनेशन की बात करते हैं। एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास। कि जो एक केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से जुड़ के बनता है बेटा, और उन एलिमेंट्स का जो मास का प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंपोजिशन और प्रोपोर्शन होते क्या है। तो देखिए बेटा एक सेकंड के लिए, कंपोजिशन कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और प्रपोर्शन डेफिनेट यानी कि फिक्स होना चाहिए। कंपोजिशन शुड बी कॉन्स्टेंट। तो हम एक एग्जाम्पल से ही इसको स्टडी करेंगे बेटा, लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम जिस भी केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं या जिसको भी स्टडी करते हैं, इट मस्ट बी इन प्यूरिफाइड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इंप्योरिटीज है या कोई और चीज अटैच है और फिर हम उसको स्टडी करें तो हमारे रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। तो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये ध्यान रखना है बेटा जी, दैट मस्ट बी इन प्योर स्टेट। कंपाउंड्स मस्ट बी इन प्योर स्टेट। तो ये पूरा जो लॉ है बेटा जी, और ये जो कंपोजिशन है और प्रपोर्शन है, मैं आपको एक बार समझाता हूं क्या होता है। मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वेल नोन एग्जांपल है बेटा जी वाटर का एग्जांपल। तो अब इसमें कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे होगी और प्रोपोर्शन कैसे होगा वो समझिए। देखिए कंपोजिशन से हमारा मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है, यानी कि परसेंटेज फिक्स रहेगी, और प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं हमारा रिलेट होता है बेटा जी रेशियो से, क्योंकि जो रेशियो होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो अब हम समझते हैं कि इसमें कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन वो कैसे जस्टिफाई होता है। अब देखिए बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल है कहीं ना कहीं 2H और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर हम फंडामेंटली मास की बात करें बेटा जी, तो हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो मास हो गया 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो परसेंटेज कैसे निकलती है वो समझिए। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है बेटा जी, किसी भी मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। कभी भी कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए जिसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, उस
पर्टिकुलर एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब यहां हम देखते हैं हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकल सकती है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कैसे, अब हाइड्रोजन कितना है बेटा जी, 2। ओवरऑल मास कितना है बेटा इसका वॉटर का, दैट इज 18। तो 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 9। तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा आपके पास ये, सॉरी 11.11%। तो ये हो गई हमारे पास हाइड्रोजन की कंपोजिशन और इंटेंसिव परसेंटेज। अगर यहीं पे हम ऑक्सीजन की बात करें, तो अभी ऑक्सीजन के मास के लिए फार्मूला तो वही है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल मास कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, 8/9 इंटू 100। ठीक है जी, दैट इज 800/9। तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्स, दैट इज 89.89% अप्रोक्स, ये आपके पास आ जाएगा। द परसेंट इज 88.89 समथिंग के करीब आ जाएगी, 88.89 के करीब। तो अब समझना क्या बेटा जी, ये अभी हमने कंपोजिशन की बात किया, परसेंटेज की बात की। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने से, ध्यान से देखिएगा बेटा, किसी भी सोर्स से, कोने से मेरा मतलब है सोर्स से, किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल स्टेट में पानी ले आओ। दोबारा समझिए, दुनिया के किसी भी सोर्स से, किसी भी मेथड से, मेथड से का मतलब बनाने के तरीके से, और किसी भी फिजिकल स्टेट से अगर पानी लाओगे, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है, और यू कैन से कंपोजिशन है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट या फिक्स रहेगी। मगर बात क्या याद रखनी है, दैट मस्ट बी इन प्योर स्टेट, उसके साथ इंप्योरिटी ना हो बेटा। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम एनी सोर्स एनी मेथड और इन एनी स्टेट, कहीं से भी आप अपना कंपाउंड ले आइए, फ्रॉम एनीवेयर, द कंपोजिशन विल रिमेन सेम। क्या रहेगी, वॉटर के केस में हाइड्रोजन की परसेंटेज अप्रोक्स 11.11 रहेगी बेटा जी, और ऑक्सीजन के केस में 88.89 के अप्रोक्स आपकी, अप्रोक्स क्या, फिक्स डेफिनेट आपकी कंपोजिशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी सोर्स, कोई भी मेथड, कोई भी स्टेट। अब मैं प्रोपोर्शन और समझाता हूं कि भाई रेशियो कैसे निकलती है। अब रेशियो को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए इसी में अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो वॉटर है बेटा जी, अगर मैं इसमें लिखूं तो हाइड्रोजन का मास 2 और ये, तो देयर रेशियो विल बी 1:8। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन है बेटा जी, ये आपके पास फिक्स होता है। तो कंपोजिशन समझ गए, दैट इज परसेंटेज, प्रोपोर्शन क्या है बेटा जी, दैट इज रेशियो। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों वो दो अलग अलग नाम यूज कर रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोपोर्शन क्यों, क्योंकि रेशियो फिक्स रहती है। कंपोजिशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि परसेंटेज फिक्स है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, वॉटर का एग्जांपल लेके चलते हैं, H2, और तीनों ही चीजों के थ्रू इसको स्टडी करते हैं, सोर्स से, मेथड से और फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट, फ्रॉम वेरियस सोर्स से अगर हमारा पानी आता है। सोर्स से हमारा मतलब क्या है बेटा, समझिए, सोर्स से हमारा मतलब है चाहे वो टैप वाटर हो, नल का पानी हो, चाहे वो सी वाटर हो बेटा, चाहे वो लेक से आए, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो पॉन्ड से आए बेटा जी, यानी कि एनी सोर्स, चाहे वो लैब में बने, कहीं से भी अगर आपका H2O आता है, कहीं से भी, तो आपको ध्यान रखना है उसमें जो रेशियो रहेगी वो रहेगी 1:8, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन, और जो कंपोजिशन आएगी बेटा जी वो भी कैंसिल आउट होके लास्ट में 1:8 आएगी, लेकिन कंपोजिशन का मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज से होता है,
तो वो रहेगी आपके पास 11 किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की 88.89%। जब कैंसिल आउट करेंगे ये भी 1:8 आएगा, लेकिन समझना है बाकी कंपोजिशन से हमारा मतलब होता है परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट की कितनी कंपोजिशन है इनकी कितनी परसेंटेज। ठीक है, तो सोर्स के बिहाफ में आप किसी भी सोर्स से पानी ले आओ, बस याद रखना कि प्यूरिफाइड वाटर हो। ऐसा नहीं है कि सी वाटर उसमें खूब सारे सोल्ट और आपको सर इसमें तो अलग कंपोजिशन, नहीं, प्यूरिफाइड कर लेना है उसको, लैब में बना लो भैया, टैप वाटर ले लो, लेक का वाटर ले लो, पॉन्ड, रिवर, कहीं से कुछ भी आप ले लीजिए। तो ये जो है आपके पास प्रपोर्शन जो है, या यू कैन से कंपोजिशन, ये हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा जी मेथड पॉइंट सेकंड। अब वाटर को किसी भी मेथड से बना लो, किसी भी तरीके से बना लो, फॉर एग्जांपल H2+ ½O2 will form H2O, ठीक है, CH4 हाइड्रोकार्बन का जब कंप्लीट कंबस्शन होता है बेटा जी CO2+ water मिलता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आपकी इक्वेशन भी बैलेंस रहे, इसकी आपको इनिशियल फेज से प्रैक्टिस करनी है, तो 2 आ जाएगा, तो दैट विल बी 4 और दैट कम्स आउट टू बी 2H2। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट की अगर हाइड्रेटेड फॉर्म है बेटा, मान लीजिए 10H2O है आपके पास, अगर हम इसे हीट करें तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और वाटर के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे, चाहे ये वाटर हो, चाहे ये वाटर हो, चाहे ये वाटर हो, किसी भी मेथड से बनाओ, तो इसकी जो प्रपोर्शन है, कंपोजिशन है, वो हमेशा क्या रहेगी, 1:8 ही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है ना बेटा जी, इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है जोसेफ फ्रॉस्ट को। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मैंने आपको सोर्स के बारे में बता दिया, मेथड के बारे में बता दिया, अब मैं फिजिकल स्टेट के बारे में बताता हूं बेटा। थर्ड वन इज फिजिकल स्टेट। अभी बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, सॉलिड हो सकती है कोई चीज, लिक्विड हो सकती है, और वेपर की फॉर्म में हो सकती है, और यू कैन से गैस, यू कैन कंसीडर इट एज अ गैस। तो अभी सॉलिड में क्या होगा, अभी पानी की बात कर रहे हैं तो आइस, लिक्विड में वाटर, और इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म में वाटर। तो कोई भी स्टेट हो जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहे, यानी अगर एक कंपाउंड बन रहा है ना बेटा, आप उसको कहीं से कैसे भी कुछ भी करके बना लो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उनकी कंपोजिशन, उनकी परसेंटेज हमेशा फिक्स रहे। तो हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर के एग्जांपल में हमने सोर्स, मेथड और फिजिकल स्टेट से आपको बताया कि भाई सोर्स कुछ भी हो, मेथड कुछ भी हो और फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, कंपोजिशन विल रिमेन सेम। द लॉ इज गिवन बाय जे प्रोस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास और डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास। कंपोजिशन और प्रपोर्शन हालांकि इंटरलिंक है, लेकिन फिर भी एक बार समझाने की कोशिश की। कंपोजिशन मीन्स परसेंटेज कैसे निकलती है, रेशियो आप इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल से और ये टॉपिक आपको जस्टिफाई करता हूं। चलिए एक एग्जांपल और स्टडी कर लेते हैं बेटा, दैट इज एग्जांपल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। देखिए मैं समझा आपको अलग अलग रहा हूं, ये चीज एक ही है, कंपोजिशन और प्रपोर्शन। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई परसेंटेज कंपोजिशन पूछे तो कैसे निकलता है, और प्रपोर्शन पूछे तो फिर क्या होगा। ठीक है, और प्रपोर्शन का केस ले लेते हैं। अब देखिए CO2 में अगर हम देखें तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो इनका मास हो जाएगा 30। तो अगर मैं प्रपोर्शन निकालूं तो दैट विल बी सिंप्लीफाइड प्रपोर्शन, क्या हो जाएगा बेटा जी, 3:8 का प्रपोर्शन, 3 कौन कार्बन और 8 कौन ऑक्सीजन। तो यानी जब भी हमें CO2 मिलेगी
किसी भी सोर्स से किसी भी मेथड से उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 है। ये बात आपको समझ, ठीक है। और बहुत जनरलाइज सी बातें हैं, लेकिन वही बात है बेटा जो बहुत पुराने लॉ है तो हमें धीरे धीरे करके इनको रिस्पेक्ट देते हुए समझना है, क्योंकि यहीं से हमारा केमिस्ट्री का बेस शुरू। तो अगर कंपोजिशन और वी कैन से परसेंटेज निकालनी हो तो याद कीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालूंगा मैं, कार्बन का मास कितना मास है, 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा जी, दैट विल बी 44 और मल्टीप्लाइड बाय, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 27.28%। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। अभी दो ऑक्सीजन है तो दोनों का मास लेना है हमें, दैट इज देखिए अगर दो एलिमेंट है तो दोनों का मास लेना है, क्योंकि हमें कंपाइल करके एलिमेंट फिर उसका निकालना होता है, 44 × 100, तो इसका जो आएगा बेटा जी दैट इज अप्रोक्स 72.6। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल अगेन कम्स आउट टू बी 3.8। तो ये है बेटा जी कंपोजिशन और प्रोपोर्शन, इसीलिए दो अलग नाम बोल दिए जाते हैं, अर्थ उनका एक ही अलग नहीं है, डेफिनेट प्रोपोर्शन और कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वेरियस मेथड्स। सोर्स तो हमें पता ही है बेटा, बहुत सारे सोर्सेस CO2 के, मेथड देख लेते हैं किस किस मेथड से ये बन सकता है। नंबर वन, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा जी डिकम्पोज करूं तो इट विल प्रोड्यूस CO2 गैस, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, अगर मैं बेटा जी कार्बन को कम्बशन करूं, कार्बन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेन प्रोड्यूस CO2 गैस। नंबर थ्री, कंप्लीट कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दे विल प्रोड्यूस बेटा जी CO2 and H2O, तो CO2 गैस तो एस्केप आउट हो जाएगी। ये एस्केप आउट का साइन होता है बेटा कि गैस बन रही है तो बाहर निकल जाएगी, अगर ऐसा साइन यूज करते हैं नीचे की तरफ इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट है, दे विल सेटल डाउन, ठीक है। और जिसके लिए कोई साइन यूज करते हैं वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो अभी एक बार इसको देख लेते हैं, बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं बेटा जी, तो यहां दो आ जाएगा आपके पास और इट विल बी टू। फोर्थ बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हम इसे हीट करते हैं बेटा जी इट विल प्रोड्यूस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है जी। तो इसमें जो CO2 है ये भी एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये वेरियस मेथड है बेटा जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, वी कैन प्रोड्यूस CO2 गैस, हम CO2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मेथड से प्रोड्यूस कीजिए जो परसेंटेज रहेगी, जो रेशियो रहेगी वो 3:8 का रेशियो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये सारे ही कंपाउंड, कितने भी एग्जाम्पल, अमोनिया का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी दुनिया भर के आप एग्जाम्पल ले लो, लेकिन ये लॉ फेल नहीं होगा। अगर ये लॉ फेल होगा तो फिर एक स्पेशल केस में फेल होगा जिसे हम इसकी लिमिटेशन बोलते हैं। तो अब समझते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ। देखिए अब इधर हम लोग एक बार लिमिटेशन समझते हैं। लिमिटेशन, नंबर वन, आइसोटोप के केस में बेटा जी ये लॉ फेल हो जाएगा, आइसोटोप्स के केस में ये लॉ फेल हो जाएगा। कैसे होगा वो समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास CO2 है और मैं एक दूसरे कलर से CO2 लिखता हूं, है दोनों ही CO2, लेकिन यहां जो मेरा कार्बन है वो कार्बन 14 है, ठीक है, कार्बन डेटिंग वाला कार्बन, और यहां जो मेरा कार्बन है बेटा जी वो कार्बन नॉर्मल वाला कार्बन 12 है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो इसमें तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, दैट इज कम्स आउट टू बी 3:8 है ये भी CO2, लेकिन यहां अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 14:32 दैट इज 7:16। समझ के देखिए, तो दोनों CO2 है मगर कंपोजिशन या रेशियो बदल गई। क्यों बदली बेटा जी, क्योंकि आइसोटोपिक फॉर्म यूज करने पर, स्टार लगा देता हूं मैं आइसोटोपिक फॉर्म के लिए, आइसोटोपिक फॉर्म यूज करने पर कंपाउंड या एलिमेंट का मास भी बदल जाता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, तो ये वजह होती है बेटा। और इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, एक्चुअल में जब ये लॉ डिस्कवर हुए थे ना आइसोटोप नाम की कोई चीज ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होता है, तो बहुत लेट जाके डेवलप हुए।
उस दौरान तो ये लॉ बहुत जस्टिफाई थे। हाँ, आज की इरा में जाके अगर इनमें एक दो छोटी मोटी लिमिटेशंस आई हैं, लेकिन मोटे तौर पे आज भी ये लॉ उतने ही ऑथेंटिक है इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए स्लाइट बिट ऑफ लिमिटेशंस। अब यहां एक लिमिटेशन और है बेटा, वो समझिए, सेकेंड लिमिटेशन। देखिए ये ला क्या कहता था कि जिनकी रेशियो सेम होगी ना, या मैं समझाता हूं, कंपाउंड में रेशियो सेम होगी तो इसको उल्टा समझते हैं, अगर रेशियो सेम है तो वो कंपाउंड हो भी वही होगा। लेकिन हुआ क्या, अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई रेशियो है, ये रेशियो है मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन C2H6O, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आई, इसी रेशियो से बेटा जी दो अलग कंपाउंड बन गए फ्यूचर में जाके। कैसे, ये देखिए CH3CH2OH, एक तो ये बन गया और दूसरा कंपाउंड क्या बना इसी रेशियो से, दैट इज CH3OCH3। ये है हमारे पास ईथर और यू कैन से डाइमिथाइल ईथर, और ये हमारे पास है इथेनॉल। तो रेशियो तो सेम ही रहेगी क्योंकि फॉर्मूला सेम है, लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड भी जनरेट हो सकते हैं, जबकि प्रोस्ट ने ऐसा कंसिडर नहीं किया था। तो ये बेटा जी प्रोस्ट की लिमिटेशन के दायरे में आता है, ठीक है। आया समझ में, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ क्या है, कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड जो जिन एलिमेंट से बना है बेटा जी, उनकी रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, कोई भी मेथड, कोई भी सोर्स और कोई भी फिजिकल स्टेट। बस ये ध्यान रखना है कि वो कंपाउंड आपका प्यूरिफाइड स्टेट में हो, उसमें इंप्योरिटीज अटैच ना, ठीक है बेटा। तो अच्छे से समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इनके न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योर।